हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाह रहा था और आप लोगों के साथ कुछ शेयरिंग करना चाह रहा था। टॉपिक है लोड बोर्ड। लोड बोर्ड बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमारे न्यू डिस्पैचर, ओल्ड डिस्पैचर, एक्सपीरियंस डिस्पैचर, सब लोग जो है वो इस लोड बोर्ड के थ्रू जो है ना लोड फाइंड आउट करते हैं और ब्रोकर से अप्रोच करते हैं, लोड बुक करते हैं, और यूं समझ लें कि एक अर्निंग सोर्स जो है ना इस टाइम लोगों ने लोड बोर्ड को समझा हुआ। जबकि लोड बोर्ड ही सब कुछ नहीं होता, जो एक्सपीरियंस डिस्पैचर होते हैं उनको बेसिकली काफी सारे रास्तों का पता होता है, कहां कहां से वो लोड बुक कर सकते हैं, डायरेक्ट ब्रोकर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे लोड बोर्ड हैं। अगर लोड बोर्ड बंद हो जाए, मतलब उसकी सब्सक्रिप्शन एंड हो जाए, या लोड बोर्ड जो है वो पीछे से DAT उसको ऑफ कर दे, तो न्यू डिस्पैचर स्पेशली ना काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार लोड बोर्ड नहीं होगा तो क्या होगा। तो अभी कहते हैं ना कि जब कोई मसले मसाइल पैदा होते हैं तो उसके ऑल्टरनेट को ना कोई सोल्यूशन भी लोग निकाल ही लेते हैं। तो एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है तो मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। एक्चुअली ये हुआ कि मेरा एक कलीग है और उसको मैंने इस डिस्पैचिंग की तरफ लगाया, तो वो माशाल्लाह काफी महीनों से काम कर रहा था। पहले उसने डिस्पैचिंग के ऊपर एक लोड बोर्ड उसने लिया हुआ था और वो चलता रहा 3-4 महीने और वो उसको अर्निंग भी होती रही, और फिर उसके अचानक वो लोड बोर्ड बंद हो गया। फिर उसने किसी और से सीट परचेज कर ली, अब वो लोड बोर्ड भी बंद हो गया। आज सुबह से पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ कि खुर्रम भाई लोड बोर्ड को मैं कैसे मैनेज करूँ। तो आजकल ना एक बहुत अच्छी चीज आई हुई है मार्केट में, जो लोग जो है ना वो सोल्यूशन निकाल रहे हैं, वो है स्क्रीन शेयरिंग। अब स्क्रीन शेयरिंग जो हो रही है ना वो सबसे इजीएस्ट और चीपेस्ट वे है लोड बोर्ड लेने का। जितने भी न्यू डिस्पैचर मार्केट में आ रहे हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही हैं, आई वुड रिकमेंड टू ऑल ऑफ देम कि आप जो है ना ये स्क्रीन शेयरिंग लोड बोर्ड लें, क्योंकि उससे दो बड़े फायदे हैं। एक फायदा उसका ये है कि एक तो जो आप इतनी इतनी सीट्स के पैसे पे कर रहे होते हैं, $99 पर सीट, वो बच जाते हैं, और उसके अलावा ये है कि अपना जिनको लोड बोर्ड नहीं मिल रहा, जिनके पास MCs नहीं है लोड बोर्ड की, उनको लोड बोर्ड मिल जाते हैं। मार्केट में इस टाइम बहुत सारे लोग हैं, तो लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट जो इस टाइम स्क्रीन शेयरिंग जो है ना वो लोड बोर्ड दे रहे हैं, और उन्होंने MCs पे लोड बोर्ड लिए हुए, लीगल लेजिट लोड बोर्ड लिए हुए, कोई दो नंबर ही नहीं कर रहे, कोई फ्रॉड नहीं कर रहे। वो जो स्कैमर्स है ना, स्कैमर्स मार्केट में से वो आउट हो गए एटलीस्ट, जो कि ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा कि लोगों ने इसका सोल्यूशन निकाला स्क्रीन शेयरिंग का। स्क्रीन शेयरिंग एक अच्छा सोल्यूशन है, और जो स्कैमर्स थे जो आपको किसी का कार्ड स्कैम करके लोड बोर्ड लेके दे रहे थे 10,000-15,000 में, वो एटलीस्ट वो चोर, वो फ्रॉडी, वो स्कैमर्स, वो सब इस फील्ड से बाहर निकल गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई है। लेकिन एक ये भी सोल्यूशन अच्छा हो गया है कि आपको स्क्रीन शेयर मिलेगी। अब स्क्रीन शेयरिंग पे ना बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि स्क्रीन शेयरिंग पे हमारा डाटा शेयर ना हो जाए, स्क्रीन शेयरिंग पे मतलब हमारी जो एक इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो जाए। तो मेरे भाई मेरी बहन, पहली बात तो ये है कि स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती। स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर आप लोड बोर्ड पे क्या काम करते हैं, लोड बोर्ड पे ज्यादा से ज्यादा आप फिल्टर्स लगा लेते हैं, तो आपके अगर फिल्टर शेयर हो भी रहे किसी के साथ तो कोई इशू नहीं है। लोड बोर्ड से बेसिकली आपने इन्फॉर्मेशन निकालनी है, इन्फॉर्मेशन निकाल के आपने लोड बुक करना है, और क्या करना है। वहां पे कोई MC तो लगानी नहीं होती आपने, वहां पे कोई आपने कैरियर की इन्फॉर्मेशन तो देनी नहीं होती। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन वहां पे आप दे ही नहीं रहे तो फिर कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी लीक हो जाएगी। डोंट यू वरी अबाउट योर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती आपकी। तो उसमें जो ज्यादा चीज होगी वो आपका फिल्टर जो है ना वो लीक हो जाएगा, फिल्टर को भी देख लो, कोई मसला नहीं है। तो स्क्रीन शेयरिंग में बस एक यही इशू होता है कि स्क्रीन शेयरिंग में जो फिल्टर जितने लोगों के साथ वो स्क्रीन शेयरिंग की होती है तो उन सबके फिल्टर शो हो रहे होते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये चीपेस्ट वे है। एक मतलब ये लोग मार्केट में कोई 5,000 में, कोई 8,000 में, कोई 10,000 में स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग नहीं करता भाई, ना मैं कोई लोड बोर्ड बेचता हूँ, ना मैं डायलर बेचता हूँ, और ना ही मैं मतलब कोई LLCs बनाता हूँ, क्योंकि ये बहुत एक लेंथी प्रोसीजर है। LLC को 15 दिन 20 दिन महीना भी लग जाता है बनते बनते, तो इसमें जो है ना बहुत से लोग जो है ना वो फिर बार बार फॉलोअप लेते हैं, बार बार कॉल करते हैं। ऑलरेडी मुझे इतने व्हाट्सएप टेक्स्ट और कॉल वगैरह आती हैं तो मैं वो उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता, तो मैं और एक ना वो हेडेक लेना नहीं चाह रहा। और मार्केट में बहुत अच्छे लोग बैठे हैं जो 300, 400, 250 में आपको LLC बना के दे रहे हैं, और बहुत से अच्छे लोग बैठे हैं जो आपको डायलर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी सीट ऐड करके दे रहे हैं। बहुत अच्छे लोग बैठे हैं जो अपनी स्क्रीन शेयरिंग भी आपके साथ कर रहे हैं 8-10,000 में। तो जो न्यू डिस्पैचर मार्केट में आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मेरी एक एडवाइस है कि वो ऐसा कर लें कि वो किसी के साथ मतलब किसी के अगर LLC उनको LLC चाहिए अभी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग इन्वेस्टमेंट ना करें बल्कि किसी का LLC शेयरिंग कर लें। उसके LLC का नेम ले लें, उसको रेंटल पे कर दें, मंथली कुछ अमाउंट डिसाइड कर लें, वो उसको पे कर दें। इसके अलावा डायलर है, डायलर में लोग सीट्स ऐड करके दे रहे हैं, इन्वाइटेड टीम मेंबर ऐड करके आपको डायलर लेके दे रहे हैं, आप वो ले लें, वो 8-10,000 में डायलर आपको मिल जाएगा। लोड बोर्ड जो है वो भी 8-10,000 में आपको मार्केट से आराम से स्क्रीन शेयरिंग मिल जाएगी। तो जो न्यू डिस्पैचर या न्यू लोग मार्केट में आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने आ रहे हैं, बहुत से मैंने देखे हैं लोग जो एक्सपेरिमेंट करने आते हैं फिलहाल
और मतलब लाइक वो कुछ मैंने ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जिन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने मुझे बताया है कि सर मैंने LLC बनवाई थी, मैंने शुरू किया काम, फिर वो मुझे सेल्स नहीं मिली और मुझे मैं डिस्पैच भी नहीं कर सका, मुझे डिस्पैच समझ में नहीं आई, तो मैं अपनी LLC बेचना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ। तो रीजन ये कि उन्होंने पहले काम को सीखा नहीं, समझा नहीं, उन्होंने शुरू कर लिया। अब शुरू तो उन्होंने कर लिया लेकिन ये है कि वो सही तरह से उस काम को चला नहीं सके। अब चला नहीं सके तो उनकी जो LLC के वो $300-$500 लाख डेढ़ लाख रुपए लगा हुआ था वो वेस्ट हो गया। तो भाई अगर आपने तजर्बा करना है, फिलहाल ऐसी पंगे लेने हैं तो आप शेयरिंग के ऊपर सारी चीजें ले लें। आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग शेयरिंग कर रहे हैं, आपको उसमें ये है कि पैसे भी बचत हो जाएगी जब आपका काम चल पड़े, आपको फायदा हो जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो, या जब आपको काम की समझ में समझ आ जाए, एक्चुअली बेसिकली काम की जब समझ आ जाए और काम को आप मतलब चलाने के काबिल हो जाए तब अपनी चीजें आप बाय करना शुरू कर दें। मेरी अपनी जो लोड बोर्ड है, मैंने जो लोड बोर्ड ली है बेसिकली वो मेरी अपनी जो फैसलाबाद की टीम है, मेरी लाहौर की टीम है, हम लोगों ने आपस में शेयरिंग की हुई है और ऑलरेडी हमारे इतने फिल्टर्स लगे होते हैं कि मैं ओवर द शेयरिंग करना नहीं चाह रहा ताकि मेरी टीम जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। और दूसरा डायलर जो है, मैं कोई मतलब रिस्क नहीं लेना चाह रहा कि डायलर जो है मतलब किसी की भी गलत हरकत की वजह से या सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से मेरा डायलर ब्लॉक हो जाए और मेरा पूरा सेटअप बैठ जाएगा, इसलिए मैं डायलर नहीं देता। लेकिन मार्केट में जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया भी था, मैंने एक वीडियो में बताया था कि कुछ लोग इस पे काम कर रहे हैं, आपको आने वाले दिनों में लोड बोर्ड भी मिल जाएंगे। देखिए लीगल तरीके से अगर आप चलें, अगर आप उसका प्रॉपर पे कर रहे हैं तो फिर लोड बोर्ड बैन भी नहीं होता। लोड बोर्ड ने भी इसलिए रिस्ट्रिक्शन डाली, सख्ती की, क्योंकि लोगों ने फ्रॉड करना शुरू कर दिया था, स्कैम करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मार्केट में काफी प्रॉब्लम आई थी और उनके लोड बोर्ड का भी मतलब एक जो कंपनी DAT कंपनी थी उनको भी काफी लॉस हुआ उसकी वजह से। लेकिन स्क्रीन शेयरिंग एक अच्छा और चीप भी है, तो इसको आप जरूर ट्राई करें और जिसने भी एक्सपेरिमेंट करना है वो शेयरिंग के ऊपर कर ले, कम पैसों में कर लेगा, ज्यादा बेहतर रह जाएगा। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई सवाल हो, क्वेश्चन तो पूछ लिया करें भाई, आपको आंसर तो आपको पता ही मैं फौरी तौर पे देता हूँ, तो आगे भी इंशाल्लाह आपको अपडेट देता रहूंगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।